हाय फ्रेंड्स ओके लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मिथ क्रिटिसिज्म एंड आर्टेक्ट क्रिटिसिज्म हरमन नॉर्थ पॉफ फायर की आज हम देखेंगे रशियन फॉर्मेलिज्म जिसका टाइम पीरियड है 1910 टेन टू नाइनटीन रशियन फॉर्मे फॉर्मेलिजम वॉज एन इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन रशियन रशिया फ्रॉम नाइनटीन टेन टू नाइनटीन इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रशियन सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट जो रशियन सिम्बोलिस्ट मूवमेंट्स है उसके अगेंस्ट ए रिएक्शन रहा है इट इंफ्लुएंस द वर्क ऑफ नंबर ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल सोवियत स्कॉलर्स और उस सोवियत स्कॉलर्स की हम बात करें तो उसमें नाम आते हैं विक्टोर स्लोवस्की यूसरी टैनो डोंट गो टू द प्रोनाउंसिएशन दिज आर द डिफिकल्ट और मे बी द इनकरेक्ट देन वॉल्दमिर प्रॉप रोमन जॉकब्सन देन गॉर्जी गोवस्की एंड द बोरिस इकैनबो So, or the Ichinbo. So, Eckenbaum, all these revosh, uh, revolutionized re, literary criticism between revolutionary literary criticism between 1914 and 1930s by establishing the specificity and anatomy of specific language and literature. So, Russian formalist exerted a major influence on thinkers like uh, Mikhail Bakhtin, Yuri Lotman, and structuralist as a whole. रशियन फॉर्मेलिस्ट डिस्क्राइब टू डिस्टिंग मोमेंट्स रशियन फॉर्मेलिज्म में दो अलग अलग मोमेंट डिस्क्राइब करते हैं जो पहला जो है ऑपोजस एंड इनसेट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल द टर्म फॉर्मेलिज्मिराइव फ्रॉम द सेंट्रल टेनन्ट ऑफ फॉर्मेलिस्ट थाट फॉर्मेलिज्म बिलीव करता था देर वॉज अ फंडामेंटल अपोजिशन बिटवीन लिटरेरी लैंग्वेज There is a fundamental opposition between literary language, poetic language and ordinary language. Uh, there are some uh, oppositions. literary language, poetic language and ordinary language there is opposition. Then Russian formalism made a distinguish between the sweat plot and the fabula means story.

स्टेलिन के डिक्टेचरशिप के अंदर इसे सप्रेस किया करना चाहा 1929 आफ्टर द सेंटर ऑफ द मोमेंट मूव्ड टू द जेकोस्लोकिया देन व्हेन वैन सप्रेस इन 1929 बाय द सोवियत एंड द सेंटर ऑफ द फंडामेलिस्ट स्टडी ऑफ लिटरी लिटरेचर मूव टू द जेकोस्लोविया देन देर इज आर कंटिन्यू बाई द मेम्बर ऑफ प्राग लिंग्विस्टिक बट वैन फॉर्मेलिज्म वॉज सप्रेस जब ये सप्रेस हुआ

मोकोरस की है रेन रेनवेलक वे, रेन है सो दीज आर दी रिलेटेड विद द प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल देन उन्होंने कंटिन्यू किया उसे देन फॉर्मेलिज्म जैसे कि फॉर्मेलिज्म मूवमेंट जो है स्टेलिन दिक्ट, डिक्टरशरशिप में ट्वेंटीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में सप्रेस किया गया सोवियत सेंटर ऑफ द फॉर्मेलिज में देन उसे कंटिन्यू किया प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल वालों ने और जिनमें आते हैं रोमन जोकबसन एंड अदर देन फॉर्मेलिज्म व्यूज लिटरेरी प्राइमरी एज अ स्पेशाइज यूज़ ऑफ लैंग्वेज प्रपोज अ फंडामेंटल अपोजिशन बिटवीन द पोएटिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड ऑर्डनरी और द प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज जो तो फॉर्मेलिज्म की व्यू है प्राइमरली स्पेशलाइज यूज ऑफ लैंग्वेज पर वो जोर देते हैं जैसे कि Uh, between two opposition poetic use of language is different and ordinary practical use of language is different then formalism proposed that the central function of the ordinary language is to be communicate to auditors uh, to message or information तो फॉर्मेलिजम प्रपोज करते कि सेंट्रल फंक्शन ऑर्डनरी लैंग्वेज का सेंट्रल फंक्शन है कम्युनिकेशन के लिए जैसे ऑडिटर हो मैसेज और इन्फॉर्मेशन देना हो बाय रेफरेंस टू द वर्ल्ड एक्जिट आउटसाइड द लैंग्वेज वेयर एज लिटरी लैंग्वेज लिटरी लैंग्वेज इज नाट नॉट लाइक द ऑर्डनरी लैंग्वेज लिटरी लैंग्वेज जो है ऑर्डनरी लैंग्वेज की तरह नहीं है वो सेल्फ फोकस है उसके जो फंक्शन नॉट टू कन्वे द इनफॉम लिटरेचर की लैंग्वेज का सिर्फ फंक्शन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है तो एक्सट्रिंग रेफरेंसेज बट टू ऑफर द रीडर अ स्पेशल मोड ऑफ एक्सपीरियंसिस बाई ड्राइंग अटेंशन टू इट्स ओन फॉर्मल फीचर्स टू द क्वालिटीज एंड इंटरनल रिलेशन देन इट इज़ द स्टडी ऑफ टेक्स्ट विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेज इन लिटररी थेरी फॉर्मेलिजम रेफर टू क्रिटिकल अप्रोचेस दैट एनालाइज इंटरप्रेट और इवेलुएट द इनहेरेंट फीचर्स ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट को अगर आप कोई स्टडी करते हो ना तो फॉर्मेलिजम कहते हैं कि रेफर है क्रिटिकल अप्रोचेस दैट एस इंटरप्रेटिट इवेलुएट द इनहेरेंट ब्यूटी ऑफ द टेक्सट दैन दिस फीचर्स इंक्लूड नॉट ओनली ग्रामर एंडटेक्स बट आल्सो लिटरेचर डिजेस मीटर एंड ट्रोप्स तो ये फिर टेक्स्ट का स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ ग्रामर और सिंटैक्स और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड नहीं है तो वह क्या है मीटर ट्रोप्स एंड एक्सेट्रा से फॉर्मेलिज्म अर्ली ट्वेंटी है रशियन फॉर्मेलिज्मो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म दो लिटरी क्रिटिसिज्म डेवलप होते हैं पहला जो है रशियन फॉर्मेलिज्म के बाद आया था एंग्लो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म So formalism was the dominant mode of academic literary study in the US and uh, end of the Second World War through the 1970s everywhere. Especially uh, embodied Ren Villa well Austin Warren's uh, Warren's Theory of Literature, Joe 1948, 55 or 62. It originated in Moscow and St. Petersburg in the second decade of the twentieth century. Then Moscow linguistic circle was founded by जाकब्सन आर रॉबर्ट जॉकबसन ने इसे फाउंड किया था किसे मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल इन 1914 में देन फेमस कोट फ्रॉम द फॉर्मेलिस्ट क्रिटिसिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ डिस्क्रिप्शन एंड इवेल्यूएशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट तो एक फेमस कोट फॉर्मेलिस्ट क्रिटिसिज्म का था कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिस्क्रिप्शन एंड इवेल्यूएशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट है देन फेब्यूला फेबूला मतलब स्टोरी फेब्यूला इज डिफाइंड एज द क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ इवेंट फेबूला क्या है तो फेब्यूला को डिफाइन किया गया है ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है किसी भी घटना का इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मतलब फेब्यूला है स्टोरी है इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ स्टोरी एंड इट इज एम्प्लॉयड इन नरेटोलॉजी एंड डिस्क्राइब द नरेटिव कंस्ट्रक्शन जो जो स्टोरी है वो क्या है रॉ मटेरियल है वो एक पक्का कोई चीज नहीं है तो एक रॉ मटेरियल है जिसे राइटर क्या करता है नर, नरेट करने वाला नरेटर क्या करता है एक उसके नरेटिव स्टाइल में कंस्ट्रक्ट करके डिस्क्राइब करता है देन स्वेद प्लॉट इज अ प्लॉट ऑफ नरेटिव इट इज़ अ एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ फैबुल स्टोरी को उस इवेंट को एक्चुअल अरेंज करके जो बनाया जाता है वो सोल है इट इज द ऑर्डर एंड मैनर इन विच इवेंट्स आर प्रेजेंटेड फैब्यूला और स्टोरी और प्लॉट वेयर फर्स्ट यूज बाय द विक्टर स्लोवस्की एंड द वर्दिमर प्रॉप तो इससे पहले फैब्यूला और स्वेत इन दो वर्ड को पहले किसने यूज़ किया था विक्टर स्लोवस्की एंड वर्दीमर प्रॉप ने देन विक्टर बॉरी स्लोवस्की आते हैं इंपॉर्टेंट फिगर है रशियन फार्मेलिजम की एटीन नाइनटी थ्री में उनका जन्म हुआ था और डेथ हुई थी नाइनटीन एटी फोर में विक्टर स्लोवस की वजह रशियन फॉर्मेलिस्ट लिटरी थेरिस्ट है रशियन फॉर्मेलिस्ट है क्रिटिक है राइटर है और पैम्पलेटर है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वॉलेंटियर फॉर द रशियन आर्मी एंड इवेंचुअली बिकेम अ ड्राइविंग ट्रेनर इन द आर्मोड कार यूनिट इन सेंट पीटर्सबर्ग देन इन नाइनटीन सिक्सटीन ही फाउंडेड ओपोज ओपोजेज और ओपोज सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज तो उन्होंने इसे फाउंड किया था ओपोज को जिसका काम था सोसाइटी थी एक काइंड ऑफ स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज इट वॉज द प्रोमिनेट ग्रुप ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लिटरे क्रिटिक्स इन सेंट पीटर्सबर्ग विच इंक्लूड विक्टर स्लॉवस्की बोरिस इकनबॉम ओसी ब्रिक एंड यूरी टेनवॉ सो दीज आर देमस ऑफ ओपोजेस स्कूल देन Uh, he participated in February revolution in 1970 subsequently the Russian provisional government sent him as an assistant commissioner to the southern front. He, he was wounded and got an award for bravery also. Then in Berlin 1923 he published his memoirs about period 1970 and 1922 under the title sentimental no postures or the was or sentimental journey.

तो स्लोविस्की का फेमस कंसेप्ट है इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है डी फेमिलराइजेशन सो ही एक्सप्लेन द कंसेप्ट इज इन द इम्पोर्टेंट एस ए आर्ट एज अ टेक्निक विच कॉम्प्राइज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इज सेंटिमेंटल थियरी ऑफ प्रोज फर्स्ट पब्लिश इन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव तो उनका जो डी फेमुलराइजेशन कंसेप्ट है uh, वो uh, बहुत फेमस है उन्होंने इस कंसेप्ट आर्ट एज अ टेक्निक में उसे एक्सप्लेन किया था देन सेमिनार थेरी ऑफ प्रोज फर्स्ट पब्लिश हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में उनके इम्पोर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं तो पहला उनका इंपॉर्टेंट वर्क आता है अ सेंटिमेंटल जर्नी मेमोर नाइनटीन सेवेंटी टू ट्वेंटी टू देन टू हंड्रेड और लेटर्स नॉट अबाउट लव नाइनटीन ट्वेंटी थ्री लिटरेचर एंड सिनेमाटोग्राफी नाइनटीन ट्वेंटी थ्री थेरी ऑफ प्रोज नाइनटीन ट्वेंटी फाइव थर्ड फैक्ट्री नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स अ हंट फॉर ऑप्टिमिज्म 1937 and Leo Tolstoy in 1963. Art as technique, essay, defamiliarization, or austenine making strange. The term was coined by Viktor Slavorsky in his essay. Art as a टेक्निक ही इन्वेंटेड द टर्म एज अ मीन टू डिस्टिंग्विश पोएटिक लैंग्वेज फ्रॉम द प्रैक्टिकल लैंग्वेज और इस टर्म से वो यही बताते हैं कि हाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोएटिक लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल और डेली लैंग्वेज ही स्टेटेड दैट पोएटिक लैंग्वेज इज फंडामेंटली डिफरेंट दैन द लैंग्वेज एज यू एवरी डे तो वो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली बताते हैं कि पोएटिक लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है हमारे डेली एवरी डे लैंग्वेज से दस मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पोएटिक स्पीच इज़ फॉर्म स्पीच वाइल प्रोज इज ऑर्डनरी Then he introduced the term in opposition to Russian Symbolist theories of art according to Slawowsky defamiliarization is by disrupting the modes of ordinary linguistic discourse literature makes strange the world of everyday perception then art as a device he, know, uh, he uh, treated that art as a device it is a literary theory of Russian formalist the theory is defined by Viktor Slawowsky दैन फॉर्मेलिस्ट हैड अबाउट द सेंट्रलिटी ऑफ रेटोरिकल डिवाइसिस इंक्लूडिंग द पैरालिज्म आर्चिइज्म मिटैफर एक्सेट्रा तो इसके बाद आते हैं मार्क मार्क्सिस क्रिटिसिज्म मार्किस्ट किसी क्रिटिसिज्म की बात अगर हम करते हैं तो उसमें फेमस फिगर है कार्ल्स मार्क्स कार्ल मार्क्स जो है आ, उनकी बर्थ हुई थी 1818 में और उनकी डेथ हुई 1883 में डिवाइडेड फ़िलासोफी इनटू द आइडियालॉजिस्ट प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड द मटेरियलिस्ट ही वाज अ जर्मन फिलासोफर तो कार्ल मार्क्स कौन थे कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसफर थे देयर आर टू काइंड ऑफ मटेरियलिस्ट एंड मैकेनिकल एंड डायलेक्टिकल तो वो कहते हैं कि दो टाइप के मटेरियलिस्ट होते हैं एक मैकेनिकल और दूसरा डायलेक्टिकल द मैकेनिकल मटेरियलिस्ट बेसिकली थिंग्स ऑफ द लाइफ इन टर्म्स ऑफ न्यूटॉनिक फिजिक्स Everything is predetermined and predictable. If only we had apparatus to adequately apprehend. Marx introduced the dialectical materialism. So the uh, mechanical materialism basically uh, idea hai, life kind term of Newtonic physics, jo hai. Then the dialectic materialism proposed that uh, the world, as he know it, is the product of dialectical process, which proceed by mean of thesis and antithesis leading the synthesis. So the material item in our world actually determine our beliefs and ideas. According to the Marxist literature itself is a social institution, has a specific ideological function based on background and ideology. The main factor in that work is written for whom the poor or rich. Then Karl Marx believed that economic determinism, dialectical materialism, class struggle were three principles that explain his theories. देन बर्जोस डोमिनेंट रिच क्लास हु कंट्रोल ओन द मीन ऑफ प्रोडक्शन जैसे वर्किंग क्लासेज जो पोअर क्लास एंड सप्रेस क्लास एंड सब क्लास डोंट कंट्रोल एंड ओन मीन ऑफ प्रोडक्शन सो द कार्ल मार्क्स एंड फेडरिक एंजल्स कोलेबरेटेड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग आइडियोलॉजीज तो कोलाब्रेशन में कुछ आइडियोलॉजीज और थेरीज उन्होंने कोलाबरेट uh, की है प्रोड्यूस की है द कम्युनिस्ट मैनिफिस्ट प्रिफेज टू द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी देन कार्ल मार्क्स का फेमस uh, आता है दास कैपिटल सॉरी दैन मार्क्सिस क्रिटिज्म नॉट मेयरली सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर मार्क्सिस एंड फॉर्म इज रिटन बाई द फ्रेडरिक जेमसन द टर्म कल्चरल इंडस्ट्री इज कॉइन बाय थियोडोर एडोर्नो जो टर्म है कल्चरल इंडस्ट्री एक क्वेश्चन भी था टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के डिसंबर नेट एग्जाम में कि कल्चरल इंडस्ट्री जो है किसने क्वाइन किया तो वो किया है थियोडर एडोनो ने द मार्क्सिस थेरी वॉज सिस्टमाइज इन रशिया आफ्टर बोल्सविक रेवोलेशन नाइनटीन सेवनटीन 1920s rather it was given them in mid 9th century the following writers are influenced by marxist criticism the so, marxist criticism say konsej writer influenced richard wright uh, claude mackay jean paul Strutt, simon de uh, Bertal brett then the communist manifest is an 1845 political pamphlet by the german philosopher karl marx and frederick engels engels फ्रेडरिक एंजल्स एंड कार्ल मार्क्स ने दोनों ने कोलेब्रेशन में एक पॉलिटिकल पैम्पलेट पब्लिश किया था जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1845 में आया था कार्ल मार्क्स कम विद द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिजेक्टेड कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू द कम्युनिज्म दे शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड प्रॉपर्टी इन सोसाइटी बट सोसाइटी शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रिच एंड प्योर तो कम्युनिज्म का मीनिंग ये था कि पावर एंड प्रॉपर्टी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में ना कि सोसाइटी कंट्रीब्यूट हो जा सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए रिच एंड पुअर में देन कंसेप्ट ऑफ हेजिमिनी इट इज़ पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री दैट प्री और कंट्रोल ऑफ द वन स्टेट अन क्लास टुगेदर और इट इज ओवर अन अपर क्लास डोमिनेट द लोअर क्लास तो कल्चरल हेजीमिनी क्या है अपर क्लास जो अरिस्टोक्रेट पीपल है वो क्या करते हैं लोअर क्लास को डोमिनेट करते हैं वो उनकी सुपेरिटी है और इनको इन्फेरियर माना जाता है देन इंटरपलिटेशन द वे इन विच द सब्जेक्ट ऑफ आइडियालॉजी प्लेस इन फॉल्स पोजिशन फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या है लोअर क्लास डज नॉट रियलाइज द अफेक्ट दैट अपर क्लास हैज ऑन देम लोअर क्लास को समझ में ही नहीं आता कि अपर क्लास कैसे उनको अफेक्ट कर रहा है या डोमिनेट कर रहा है मार्क्स एंड एंड्स एंजल्स डिस्क्राइब दैट प्रोलेटरेट डज नॉट रियलाइज दे आर सप्रेस बाई बॉर्ज तो उन्हें यकीन ही नहीं होता या रियलाइज़ नहीं होता कि कैसे वो सप्रेस करें या उनका डोमिनेंस है या उनके जैसा ही कल्चर बन रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कार्ल मार्क्स देन कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंजल्स गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन ऑफ स्पेसिस एंड ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस द लॉ ऑफ अपोजिट्स द लॉ ऑफ निगोशन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सो दीज आर दी नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द फ्रेडरिक जेम्सन टेरी एगल्टन